वेलकम बैक। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इंटीरियर लाइटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये मॉडल मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे कुछ प्रीसेट लिए हुए हैं। तो ये है इंटीरियर, इसमें हम क्या करेंगे, जो आप ये मॉडल देख रहे हो ये टोटली इसी में क्रिएट किया हुआ है। और ये जो प्रीसेट आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये ट्रीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि लाइटिंग कैसे की जाए। इसमें हम सोर्स देखेंगे कि क्या क्या सोर्स है हमारे पास। यहाँ पे विंडो है और यहाँ पे एंट्रेंस है डोर का। और हमने ये देखिए जहाँ पे डोर और विंडो का पार्ट है उस जगह पे हमें क्या करना है, लाइट सोर्स लगाना है। हम क्या करेंगे, वीरी लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो वीरी लाइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले इधर वीरी टूल्स हैं, यहाँ पे वीरी प्लेन लाइट, ये मैं यहाँ से चलता हूँ एंगल स्नैपिंग ऑन करके। और स्नैपिंग ऑन करके ये देखिए मैंने विंडो पे ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आप इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, मिरर का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे और इसमें वाई एक्सिस ले लेंगे। देखिए फिर इसी तरीके से हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ लाना है। अब नेक्स्ट हमने कहाँ पे एक और एंट्रेंस दिख रहा है यहाँ पे हमें, वो है दरवाजे का। तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल प्लेन लाइट, ये देखिए ये वेरी प्लेन लाइट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और ये कहीं मिडिल पे शो हो रहा है। तो आप इसको वहाँ से ड्रैग करके बाहर की तरफ, और इसका सोर्स भी बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे मिरर। और देखिए उसने अब आपके पास ये देखिए, अब जो यहाँ पे हमने मॉडल बनाया था वो हमने पूरा ब्लैंक कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेटेड टाइम लेता है रेंडरिंग में। तो हमें क्या करना है, बिना किसी जो अंदर की वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको बिना दिखाए हुए लाइटिंग शो करानी है पहले। ठीक है, ताकि हमारा रेंडर जल्दी शो कराए कि किस तरीके की लाइटिंग जनरेट हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा कॉर्नर पे येलो लाइट, ये मैंने कुछ चीज़ें हाइड की हुई है लाइट, तो उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमारा मेन सोर्स जो हमने दरवाजे पे और विंडो पे लगाया है उसको सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे एक HDRI क्रिएट करेंगे। तो HDRI क्रिएट करने के लिए हम वीडियो टूल में जाएंगे और यहाँ से कॉस्मो ब्राउजर पे क्लिक किया और यहाँ से एक HDRI को इस टॉप व्यू में या कहीं भी किसी व्यू में एक हम क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ से मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये HDRI इसमें आप देख पा रहे हैं, और इसको मिनिमाइज कर दिया। अब हम इसका एक रेंडर शो कराएंगे, उससे पहले ये इसको कहीं पे भी प्लेस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। अब यहाँ से हम एक रेंडर शो कराएंगे। तो अब देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इसमें शो हो रहा है। ठीक है, जो HDRI है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा लाइट फेंक रहा है। तो अब हमें क्या करना है, दो तरीके से, एक तरीके तो यहाँ पे है कि हम कैमरे के थ्रू इसका एक्सपोजर कम करें, और एक तरीका है कि हम लाइट सोर्स जो HDRI है उसकी इंटेंसिटी कम कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कैमरा, देखिए कैमरा सेलेक्ट कर दिया। अब कैमरे के थ्रू हम एक्सपोजर कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपोजर पैनल पे चले जाएंगे, यहाँ पे कैमरे का टारगेट वैल्यू 6 है तो इसको 12 कर देंगे। तो अराउंड 12 कर दिया, तो इसका एक रेंडर देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था वो कम हो चुका है और हमें बाहर का स्काई भी शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी इंटेंसिटी हम अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कितना एक्सपोजर हमें शो कराना है कि बाहर का स्काई भी दिखता रहे, और यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये HDRI है इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके मेटल स्लेट में रखा इंस्टेंस मोड पे। अब यहाँ देखना कि मैं यहाँ से इसका जो ग्राउंड लेवल है
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा ब्लैक आ रहा है, देखिए नीचे इस वाली जगह पे, तो इसको मुझे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को देखो क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने इस तरीके से शो करा दिया, ठीक है। अब इसको आप कितना किस डायरेक्शन में शो कराना चाहते हो, इट्स अप टू यू कि आप इसका है को किस साइड से दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्लाउड शो हो रहे हैं आउटसाइड, अब आप इसका एक्सपोजर इतना बढ़ा दें कि ये प्रॉपर शो हो जाए, ठीक है। लगभग हमें इस तरीके का आउटपुट शो हो रहा है। अब इसमें ये ब्लैंक इंटीरियर है, जबकि आपने जो शुरुआत में देखा था वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे उसके अंदर, ये इसलिए शो नहीं कराए कि रेंडर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ रेंडर कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स शो कराने हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन मोड से हटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो जो चीज़ें हमारे पास है वो अब शो होंगी आपको, तो ये थोड़ा सा रेंडर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्टार्ट हो चुका है रेंडर प्रोसेस, और आप इसमें आउटपुट देख सकते हो। ये आप शो देख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम एक चीज़ और, एक लाइट लगानी थी कोव लाइट, ठीक है, जो रूफ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोव लाइट सिलेक्शन लेंगे पहले, उससे पहले हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको ऐड कर देंगे। अब हम कोव लाइट देखेंगे कि कहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर यहाँ पे कोव लाइट ये सिलेक्शन किया, ये देखिए इसको नाम दिया कोव लाइट। अब यहाँ से हम इसको मेश लाइट बनाएंगे, तो इसको सिलेक्शन किया और यहाँ पे हमने वीरे टूल के थ्रू मेश लाइट बनाना है इसको, तो ये सिलेक्शन लिया है, और ये देखिए मेश लाइट पे क्लिक किया और ये मेश लाइट बन चुका है, देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये देख सकते हो आप, इस तरीके की वायरिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसको कलर की जगह टेम्परेचर मोड पे सेट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखो कलर की जगह टेम्परेचर मोड देते हैं, अब इसको वार्म कलर जैसे होता है उस टाइप का यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 3200 के अराउंड। और ये देखिए अब इसको एक्सेलरेशन मोड से हटाया, और जो हमारे पास यहाँ देखो वॉल मैंने ये हटाए थे उसको वापस अनहाइड कर देंगे, और इसका एक रेंडर शो कराएंगे और किस तरीके से शो हो रहा है, कोव लाइट का जो लाइट आनी चाहिए वो किस तरीके से शो हो रही है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रेंडर टाइम ज़्यादा लेगा, बट हम अभी चेक करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया ट्यूटोरियल का, और यहाँ पे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, और ये पार्ट हम देखेंगे कि कोव लाइट से लाइट किस तरीके से एक्सपोजर दे रहा है। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं ये मैंने रीजन सिलेक्शन किया था, और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, डबल साइडेड ऑन कर दिया आपने, और इस तरीके का एक्सपोजर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी जितनी बढ़ाओगे उसी हिसाब से वो एक्सपोजर देता रहेगा, और कम करोगे उतना कम करता रहेगा। तो ये हम देखेंगे कि सीन के अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें कोव लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का। अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो लेंस फ्लेयर इफेक्ट दिखते हैं उसको हम शो करा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लेंस फ्लेयर पे गए, ये हम ब्लूम फ्लेयर का हमने इस्तेमाल किया, और ये अभी आप देखोगे कितना कम ज़्यादा करने पे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और ये आपका फाइनल आउटपुट। थैंक यू।